दोस्तों आपका सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो भी मैं नया वीडियो आप अपलोड करूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों आज RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर शशिकांत दास ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। ये एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी सभी होम लोन्स, कार लोन, जितने भी लोन हैं उनमें राहत दी थी 3 महीने की, और आज फिर भारत के गवर्नर शशिकांत शर्मा दास ने आज फिर 3 माह की EMI में छूट देकर आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जो गरीब और मजदूर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो से अंत तक बने रहिए। कोरोना संकट को लेकर बीच RBI का बड़ा ऐलान, केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने एक बार फिर लोन की EMI भुगतान टालने की सुविधा को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये कि आपको पहले 3 महीने की सुविधा थी, उसे बढ़ाकर 6 महीने की यानी 30 अगस्त तक रात मिल गई है। इसके साथ साथ इसका मतलब ये हुआ कि आप कुल 6 महीने तक लोन क्रेडिट कार्ड की मासिक किस्त देने से बच सकते हैं। आपको बता दें कि बीते 27 मार्च को भुगतान टालने को कहा था, इसके बाद बैंक 3 महीने के लिए आप ग्राहकों को भुगतान में छूट दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को अतिरिक्त 3 महीने के लिए बढ़ाए गए। कुल मिला के पहले RBI ने 3 महीने के लिए बढ़ाया था, अब उसे बढ़ाकर फिर 3 महीने कर दिए, इसलिए आपको 6 महीने की राहत मिल गई है। इसलिए ये RBI का बड़ा ऐलान है, गरीबों को ये एक और तोहफा। इसके साथ इस दौरान लोन की EMI देने के लिए बैंक ऊपर दबाव नहीं बना सकता। RBI ने ये भी कहा है कि इसके साथ आप डिफॉल्टर भी नहीं हो सकते, मतलब ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पड़ने वाला नहीं है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी EMI माफ़ कर दी जाएगी। RBI ने ये कहा कि ना तो आप डिफॉल्टर घोषित हो सकते हो, नहीं आपके क्रेडिट स्कोर में कोई लपड़ा पड़ेगा, आपको EMI देनी होगी। RBI ने स्पष्ट कहा कि आपको EMI देनी होगी। ब्याज के साथ बीते दिनों देश में सबसे बड़ा SBI ने कहा कि कार होम लोन को उदाहरण देते कि आपको इस सुविधा लेते हो तो आपको कितना नुकसान होता है, आप खुद कैलकुलेट करिए। इसके साथ मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आकाश ने SBI से 30 लाख का लोन लिया है, उसे लौटाने की अवधि 15 साल बची हुई, तो अगर आकाश 3 महीने की मोहलत का अवधि का विकल्प चुनता है तो उसे 2,34,000 रुपये करीब ब्याज देना होगा। अतः ये बराबर राजेश बैंक का लोन लेता है तो इस प्रकार इसको ब्याज देना पड़ेगा। आप इस विकल्प को चुनते हो तो अगर लगातार जमा कराते हो तो आपको कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा। इसके साथ इस सुविधा को नहीं लिया हो तो अगर आप इस सुविधा को नहीं लेते हो तो छूट की सुविधा लेने से बजाय आप EMI देना जारी रखते हो तो आपकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह पहले किस्त देते आए उसी तरह आप किस्त दे सकते हो, और कैलकुलेशन के सिर्फ 3 महीने की मोहलत के आधार पर 6 महीने की मोहलत के बाद अतिरिक्त भुगतान की राशि बढ़ा जाएगी। मतलब ये कि आपकी जेब पर पहले से भी कहीं ज़्यादा बोझ पड़ सकता है, ये RBI ने कहा है। इसके साथ दरअसल ये मोहलत किस लिए दी जा रही है, ताकि लोगों के पास नकदी का संकट ना हो। कहने का मतलब ये कि कोरोना संकट में जिन लोगों की आय में फर्क नहीं पड़ा है उन्हें अपनी EMI समय पर देनी चाहिए। जिन लोगों की EMI कमाई प्रभावित हुई है अपने बैंकों के संपर्क कर मोहलत का फायदा उठा सकते, साथ ही अपने बैंक से कस्टमर केयर के फोन पर की जानकारी ले सकते। इसलिए आपको RBI ने मोहलत तो दी लेकिन आपको ब्याज में छूट नहीं दी।